हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद आशीष। तो दोस्तों, सुबह के 8 बजे हैं, अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, चल रहे हैं सिविल लाइन मंदिर हनुमान निकेतन, जो कि सिविल लाइन में है। तो वहां पे चलते हैं और आपको वहां का सीन दिखाते हैं। फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं हसीमपुर चौराहा और ओवरब्रिज के छाँव में चलते हुए घूमते हुए। दो लोग उधर से जा रहे हैं, अंबुज और देवेश, हम और नीतीश इधर हैं। ये देखिए नीतीश को, हेलो नीतीश, हाय करो। हेलो, हाय। ये हैं, अब कुछ लोग इनको नहीं जानते हैं, बता दे, जो विनीत हैं हमारे रूम पार्टनर, उन्हीं के छोटे भाई हैं। और अब चलते हैं, आगे से ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, फिर उसके बाद हनुमान निकेतन मंदिर के पास पहुंचते हैं और फिर वहां का सीन दिखाते हैं। तब तक बने रहिए और देखते रहिए। एंड हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर मंदिर के पास, और यहाँ पे देखिए ये लोग पैसा वैसा दे रहे हैं। उसके बाद जिनको नहीं पता है उनको बता दें, यहाँ पर मेन द्वार पर भीष्म पितामह का एक रथ बना हुआ है, वो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये लोग चल रहे हैं अंदर, चलते हैं साथ में हम भी अंदर और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। देखिए सामने आपको ब्रह्मचर्य के प्रतीक महारथी भीष्म का रथ देखने को मिल जाएगा। गेट जो है मेन गेट है, और इसके इस गेट से अंदर जाते ही बड़ा सा फील्ड दिखाई देता है, जो कि और मंदिरों में ये नहीं देखा जाता। और यहाँ पर ये जो मेन मंदिर है ये सामने ही है, और ये जो मंदिर है ये बगल वाला मंदिर है। और यहाँ पर मिष्ठान वगैरह, प्रसाद वगैरह मिलता है, जो कि अब हम जा रहे हैं वहाँ पर लेने। और यहाँ पर जो मूर्ति है इसके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। और चलते हैं अब सामने उस प्रसाद वाले मंदिर के पास और लेते हैं वहाँ से प्रसाद। तो फ्रेंड, यहाँ पर प्रसाद लिया जा रहा है कामता प्रसाद एंड सन्स के दुकान से, और बगल से ही ये देखिए यहाँ पर हम लोग पुष्प और तुलसी ले लिए हैं, जो कि चढ़ाने के लिए। अब चलते हैं बड़े हनुमान मंदिर के अंदर। यहाँ पे देखिए देवेश भाई बैठ करके यहाँ से पूजन शुरू कर दिए हैं। इस मंदिर में इतना बड़ा सा हॉल देखने को मिल जाता है, यहाँ पर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और फिर मंत्र उच्चारण करते हैं। और हम सीधा चलते हैं मंदिर के पास, मूर्ति के पास दर्शन करने। तो अब हम पहुँच गए हैं, चलते हैं, अपना पुष्प अर्पण करते हैं और प्रसाद देते हैं। एक बार यहाँ का आपको ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग देखिएगा। दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं बाहर। पहले चलते हैं बगल वाले मंदिर के पास, और यहाँ पर अभी फ़ोटो खींच रहे हैं देवेश भाई, तो खाली हो जाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर बर्फ़ का शिवलिंग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सावन चल रहा है, तो ये सब यहाँ पर रखा गया हुआ है, बनाया गया हुआ है। और चलते हैं इस मंदिर के अंदर, अब हम यहाँ का दिखाते हैं आपको व्यू।
इंटर किए हम लोग। यहाँ पर कई मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगे, शंकर भगवान, पार्वती और भगवान हैं गणेश जी। तो इधर जो है शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे, 12 शिवलिंग हैं। और इन शिवलिंग को क्या बोला जाता है, शायद ज्योतिर्मय ऐसे कुछ नाम है जो मुझे नहीं पता है। और यहाँ पर माता सरस्वती का मूर्ति देखने को मिल जाएगा, और बगल में ही भगवान श्री कृष्ण और राधे का मूर्ति देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, ये रहा यहाँ का व्यू। अब चलते हैं, आपको यहाँ का ओवर व्यू एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग देखिएगा। फ्रेंड, यहाँ पर देवेश भाई प्रसाद वितरण कर रहे हैं, देखिए। और इसके बाद यहाँ का आपको ओवरव्यू दिखाते हैं इस मंदिर का। जय जय हनुमान जी। दर्शन कर लिए हैं, ये देखिए आ रहे हैं गुरु। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग बाहर, क्योंकि अब मुझे कोचिंग भी जाना है, इसलिए मैं बैग लेके आया था। मेरा 10:30 बजे से कोचिंग है, और ये लोग जाएंगे अभी रूम पे, और हो सकता है कि ये लोग आज़ाद पार्क में भी जाएं। अभी इन लोगों के ऊपर है, लेकिन हम यहाँ से अब कोचिंग जाएँगे। तो बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग विद आशीष। तो फ्रेंड, अभी अभी हम रूम पर पहुँचे हुए हैं, और अब चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है प्रसाद के अलावा। तो बगल में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिखेगा, आप लोग ज़रूर फॉलो करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट भी करें। और वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।